वेलकम टू एमर्स एकेडमी। तो आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया 1885 टू 1947 को डिस्कस करने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम लोग टोटल 5 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या बेसिस था 1885 से पहले का, क्या टाइम था उस वक्त, क्या क्या हो रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, और फिर रेडिकल्स और मॉडरेट किस तरह से अलग हो जाते हैं अपने ओपिनियंस को लेकर, अपने आज़ादी के तरीका का अलग अलग होने के कारण वे एक दूसरे से किस तरह अलग हो जाते हैं वो देखेंगे। और फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट में, उसके बारे में। और फिर फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये 5 टॉपिक को हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मेरा नाम है अखिलेश और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अभी अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूं। और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ इस लेक्चर को शेयर किया जाए, ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए और आपको भी कुछ बेनिफिट हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैं बाकियों की तरह नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा और आप बोर नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हमको भैया, जब भी हम लोग पढ़ाई करते तो हर चैप्टर में इंट्रोडक्शन का होना जरूरी क्यों है? बच्चों देखो क्या होता है कि अगर आपको बेसिक्स नहीं पता होगा तो आप कभी भी उसके प्रो लेवल पर जाकर नहीं टिक पाएंगे। इसीलिए हमें बेसिक्स कोई भी चैप्टर का या फिर किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम लोगों को उसके बारे में बेसिक्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जब हमें बेसिक्स पता होगा कि उसके स्टार्ट होने का पीछे क्या रीज़न था, यानी कि जो हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो क्यों हुआ, वो पहले क्यों नहीं स्टार्ट हुआ था, तो जब हम लोग देखेंगे कि क्या रीज़न था, तो जब हम लोग पढ़ेंगे उन लोगों के बारे में तो हम लोगों को और भी अच्छा से समझ में आएगा। तो यही रीज़न है हम लोगों को इंट्रोडक्शन हर चैप्टर में पढ़ाई करने का, या फिर किसी भी चीज़ को हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो उसका जो इंट्रो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुने, क्योंकि कोई भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन वो सारे चैप्टर का सार होता है, एक तरह से सारे चैप्टर का समरी होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब इस लेक्चर को। सबसे पहले क्या हुआ था, जैसे कि हमारा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ था वो स्टार्ट होता है एक्चुअली 1885 से, जब हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो जाता है। लेकिन उससे पहले क्या क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, यानी कि वो एक पहला बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिवोल्ट था जिसमें इंडिया के सारे इम्पोर्टेंट लीडर्स पार्टिसिपेट किए थे इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए। तो जो फ्रीडम का जो बेस था वो 1857 में ही इसका जो आग था वो लग चुका था, लेकिन ये आग जो है उसे ब्रिटिशर्स ने फिर ठंडा कर दिया था, और फिर ये जाकर 1885 में धीरे धीरे पकड़ा। यहाँ पे हम लोग एक बात और देख लेते हैं। द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड विद क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन ऑफ नवंबर 1885 एंड द पावर ऑफ गवर्नेंस केम इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1858। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि जो पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो बंद ख़त्म हो जाता है 1 नवंबर 1885 को, और ये फिर क्वीन विक्टोरिया के हाथ में यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाता है 1885 में। यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 होने के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो एंड हो जाता है, और ये फिर क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन के बाद उसके बाद ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाता है। और जो इंडिया और जो इंडियंस थे, जैसे कि क्या हुआ था ना कि हमारे उस वक्त ना बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जो एजुकेटेड होने लगे थे। पहले क्या था रीज़न, हम लोग का गुलामी होने का रीज़न बहुत बहुत ही कम है,
पहला तो यही है कि हम लोग में यूनिटी नहीं था, सबसे बड़ा बात। अगर हम लोगों के अंदर यूनिटी रहता तो हम लोगों पर कोई भी राज नहीं कर सकता है। दूसरा बड़ा रीजन ये कि हम लोग उस वक्त एजुकेटेड उतना नहीं थे, यानी कि हम लोग टोटली फार्मिंग पर डिपेंडेंट थे हम लोग। और दू जो थर्ड रीजन है वो हम लोग बहुत ही सोशली बैकवर्ड थे उस वक्त। इतना ज्यादा बहुत ही गंदा गंदा चीज होता था, यानी कि आपका जो प्रथा हो गया, क्षति प्रथा हो गया, या फिर और भी डॉरी हो गया, या फिर चाइल्ड मैरिज, ये सब अभी भी हो रहे हैं, लेकिन सती प्रथा अभी नहीं हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग उस वक्त कितना ज्यादा बैकवर्ड रहे होंगे उस टाइम। तो यही सारा रीजन है कि दूसरा कंट्री हमारे पर आके हम पर राज कर लेता है और हम लोग बस देखते रह जाते हैं। और अभी प्रेजेंट में भी हमारे साथ वही हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, हम लोग अपने में ही लड़ाई कर रहे हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, आपका अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब सब हम लोग को अपना वेपन सप्लाई करता है, आर्मी वेपन सप्लाई करता है, और हम लोग उसे खरीदते हैं। आपको ये जान के बहुत ही ताजुब लगेगा कि इंडिया 20%+ जीडीपी अपना सिर्फ आर्मी के लिए यूज करता है, यानी कि उसका जो बजट, डिफेंस बजट है वो बहुत ही ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग जब 20%+ जीडीपी का हम लोग सिर्फ डिफेंस के लिए अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 80% ही हम अपना है मतलब कि ग्रोथ के लिए, या फिर ग्रोथ जीडीपी सोशल वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमारा कंट्री कितना ज्यादा बैकवर्ड होगा। तो ये सारे रीजन है दूसरे कंट्रीज का हमारे पर, हमारे कंट्रीज पर अभी भी राज करने का। और भी उस वक्त क्या था कि हमारा उस वक्त वर्ल्ड वाइड भी इम्पैक्ट हो रहा था। उस वक्त पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा अगर आप लोगों 9th क्लास में होंगे तो। और फिर आप लोगों ने रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ा होगा, जो जार था, निकोलस जार वहां का, उसे किस तरह से रिमूव किया जाता है। फिर जर्मनी हो गया, वहां पे भी रिवोल्ट हो रहे थे, यानी कि उस वक्त का जो दौर था उस वक्त पूरे वर्ल्ड में ही रिवोल्ट या फिर बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे। तो जब सारे कंट्रीज में जब हो रहे थे, जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो बाहर जाके पढ़ाई कर रहे होते थे, या फिर जिन्हें जो पता था, जो एजुकेटेड होते थे, तो उन्हें न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल रहा होता था, उन्हें नॉलेज मिल रहा होता था कि सारे देश अपने फ्रीडम्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो उन्हें भी ये बात उन्हें भी समझ में आई, पर बहुत लेट से समझ में आई। तो अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट का। अगर आप इस एक पार्ट को उठा दें तो हमारा जो पूरा नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो बेस है वो एक तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ही एक वो पार्टी था जिसके कारण हमारा नेशनल मूवमेंट इतना लेट तक या फिर इतना दूर तक गया। क्योंकि बिना कोई पार्टी का और बिना कोई लीग का या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अकेले प्राइम मिनिस्टर के पास चल जाएंगे और आप बोलेंगे कि मुझे पूरा देश बदलना है। आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, आपके पास एक पार्टी होना चाहिए, तो फिर आप किसी से लड़ाई कर सकते हैं या फिर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो जब आपके पास पीपल्स का पावर होता है तो ही आपके पास एक्चुअल में पावर होता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वही पावर था हमारे देश की आजादी के लिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में फॉर्म हुआ था, और इसे एक ब्रिटिश ऑफिसर एओ ह्यूम ने फॉर्म किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इंडियन नेशनल कांग्रेस इतना ज्यादा पुराना पार्टी और इतना इम्पोर्टेंट पार्टी, लेकिन उसे भी कोई ब्रिटिशर्स ने फॉर्म किया था, ये कितनी खराब बात है। लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिसर था एओ ह्यूम, वो उसका ये रीजन नहीं था कि उसने इसलिए फॉर्म नहीं किया था ताकि वो इस पार्टी को ले जाकर इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाए। उसका जो मेन रीजन था इस पार्टी को फॉर्म करने का वो ये था कि जो ग्रोइंग एग्रेशन था, जो एजुकेटेड इंडियंस के बीच जो जो इंडिपेंडेंस के लिए जो लोगों में जागरूकता फैल रहा था, जो उन्होंने उन लोगों को जो पता चल रहा था कि नहीं, मुझे भी इंडिपेंडेंस चाहिए, मेरा भी अधिकार है,
तो उन लोगों के लिए ही इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया था, ताकि जो लोगों के बीच में जो गर्मी है उसे कम किया जा सके, यानी कि उन लोगों को थोड़ा दबाया जा सके। और आज भी इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिटिक्स में, ताकि कंट्रोल किया जा सके किसी भी चीज को इंक्रीज करने से। तो ये मेन रीजन था। तो वो बात की बात है, लेकिन हम लोग पॉइंट पर पहले आ जाते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो जो सबसे पहला फैक्ट है वो ये है कि जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, और इसे प्रेसिडेंट किए थे WC बैनर्जी में, और उस मीटिंग में 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था उस मीटिंग्स को। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ से 72 से कहाँ 72 करोड़ पॉपुलेशन तक आज उसके सपोर्ट में है। तो ये काफी लंबा, और आपको ये भी जानना चाहिए कि ये एक लौता पार्टी है जो कि सबसे पुराना पार्टी है अभी तक पूरे विश्व में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है वर्ल्ड का। और भी देख लेते हैं जो अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स ड्यूरिंग फाउंडेशन वेयर, दादा भाई नरोजी, बद्रुद्दीन देव जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक। तो आप देख सकते हैं कि जितने सारे भी लीडर्स हैं वो सारे बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड थे और बहुत ही ज्यादा इनका इम्पोर्टेंट रोल है हमारे इंडिपेंडेंट मूवमेंट में। तो यही रीजन है इनका पार्टिसिपेट लेने का इन फर्स्ट मीटिंग ऑफ INC में। और ये जो इन द फर्स्ट टू डेकेड्स 1885 to 1905 इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉडरेट। तो मॉडरेट और रेडिकल्स क्या होता है इसे हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखते हैं। तो सबसे पहले मॉडरेट की मॉडरेट्स क्या है और रेडिकल्स क्या है। बेसिकली मॉडरेट्स और रेडिकल्स हम लोग कांग्रेस के दो पार्ट को हम लोग कर देते हैं, और ये बस एक आइडियोलॉजी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, उन लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा पीसफुल होते हैं, नॉन वायलेंट होते हैं, और वो वेट करते हैं सही टाइम का। तो यही दोनों बात है यहाँ पे मॉडरेट्स और रेडिकल्स के बीच, यानी कि इन दोनों की आइडियोलॉजी में यही दोनों फर्क था, इसीलिए कांग्रेस का दो पार्ट हो गया। और जो 1885 to 1905 था, इस पीरियड में कांग्रेस मॉडरेट का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा रहा, क्योंकि उस वक्त भी हमारा जो इन्फ्लुएंस था वो ब्रिटिश ऑफिसर्स का बहुत ही ज्यादा उस वक्त था। लेकिन जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है तो रेडिकल्स ग्रुप्स के जो लीडर्स थे लाल बाल और पाल, तो वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, और फिर उस वक्त के बाद हमारा रेडिकल्स रेडिकल्स मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि मॉडरेट्स और रेडिकल्स में क्या क्या डिफरेंसेस थे, या फिर उनके आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस था। तो सबसे पहले मॉडरेट्स, दे हैव कंप्लीट फेथ ऑन ब्रिटिशर्स, दे फॉलो ए पॉलिसी ऑफ 3 P, पिटिशंस, प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट। तो जो मॉडरेट थे वो एक पॉलिसी को फॉलो किया करते थे जिसे 3 P के नाम से भी जाना जाता था, पिटिशंस, प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट। दे डोंट बिलीव इन हड़ताल्स, एग्रेशन एंड रिवोल्ट। वो किसी भी एग्रेशन, रिवोल्ट या फिर वायलेंस पर बिलीव नहीं करते थे, यानी कि एक तरह से ये गांधी जी के दिखाए गए मार्ग पर चला करते थे। और उनकी डिमांड्स क्या थे, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हेल्ड इन इंडिया, स्टॉप ड्रेन ऑफ वेल्थ, क्रिएट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इनके जो मेन डिमांड थे वो कुछ इस तरह से थे, वो चाहते थे कि जो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम हुआ करता था वो इंडिया में हो। एक्चुअली क्या हुआ करता था उस वक्त, सिविल सर्विसेज एग्जाम को इम्पीरियल सर्विस ऑफ एग्जाम के नाम से जाना जाता था, और उस एग्जाम को देने के लिए आपको ब्रिटेन जाना पड़ता था। ये जो एग्जाम है वो ब्रिटेन में हुआ करता था, और वो जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि ये जो एग्जाम है वो इंडिया में कराया जाए, ताकि इंडियन का पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ सके। और आपको ये जानना भी चाहिए कि जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जो फ्रीडम फाइटर है वो भी एक सिविल सर्वेंट थे, लेकिन उन्होंने 1 ईयर के बाद रिजाइन कर दिया था
और फिर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्ट बन गए थे। जो प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर्स थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आप इस नेम को सर्च कीजिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है और इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। और इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे कमेंट में जानना चाहता हूँ कि क्या आपको इनके बारे में पता है या नहीं। अगर नहीं पता होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में भी आपके साथ शेयर करूँगा। नाउ हम लोग रेडिकल्स को देख लेते हैं। तो जो रेडिकल्स थे वो प्रोटेस्ट, हड़ताल और स्लोगन्स पर भरोसा किया करते थे, ना ही कि पिटीशन, प्रेयर्स और प्रोटेस्ट पर। दे अल्सो प्रोपिगेट इंडियन कल्चर एंड हिंदुइज्म। तो ये बहुत ही ज़्यादा कट्टर हिंदुत्व को भी फॉलो प्रोपिगेट करते थे और वो इंडियन कल्चर को भी वर्ल्ड वाइड को में फैलाने का काम कर रहे थे। और अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल आर द प्रोमिनेंट रेडिकल्स लीडर। तो ये सारे जो लीडर्स थे वो रेडिकल्स के प्रोमिनेंट लीडर थे। इन्हें लाल बाल और पाल के नाम से जाना जाता था और इसका रीजन यही था। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम वाज संग इन 1886 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये एक फैक्ट था, जनरल नॉलेज था, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड कर दिया कि जो वंदे मातरम है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, वो फर्स्ट टाइम 1886 में सिंह सॉन्ग को गाया गया था। नाउ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये जो इवेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो हमारा बंगाल था उस वक्त, जो अभी वेस्ट बंगाल आप जानते हैं, तो इसका पार्टीशन ना ही 1947 या 1971 में नहीं हुआ था। इसका जो बेस था, जो पार्टीशन का जो बेस था, वो 1905 में ही कर दिया गया था और इसे लॉर्ड कर्जन ने किया था। और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है हमारे इंडिपेंडेंट मूवमेंट का, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ रहता तो हमारे जो रिवोल्ट का जो इंडिपेंडेंस है, शायद उसमें और भी ज़्यादा टाइम लग गया रहता, क्योंकि हम उस वक्त जब हमारा पार्टीशन हुआ तो जो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को जो ब्रिटिशर्स तोड़ना चाहते थे वो कुछ और ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गया, क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा था कि जो ब्रिटिशर्स है वो डिवाइड एंड रूल को फॉलो कर रहे हैं। और वहाँ और धीरे धीरे लोग भी एजुकेटेड हो गए थे, उतना समझदार होने लग गए थे। लेकिन फिर भी पार्टीशन ऑफ बंगाल होने से ब्रिटिशर्स को भी फायदा हुआ और नुकसान भी हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या वो इवेंट है और क्या कुछ है। तो 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल था उसे ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया गया। और इसलिए डिवाइड किया गया था ताकि जो हिंदू मुस्लिम का यूनिटी है नेशनलिस्ट मूवमेंट में, उसे कमजोर किया जा सके। और इसे लॉर्ड कर्जन ने किया था। वो उस वक्त के वायसराय थे हमारे इंडिया में। तो जो लॉर्ड कर्जन है वो 1905 में हमारे वायसराय थे ब्रिटिश इंडिया के। और उस डे को डे ऑफ मॉर्निंग के रूप से जाना जाता है, उसे ऑब्जर्व किया गया। और इसी के कारण जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन लोगों ने बायकॉट किया, नेशनल एजुकेशन को अडॉप्ट किया एज ए टूल फॉर अचीविंग स्वराज बाय द रेडिकल्स। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट इज द स्लोगन गिवन बाय तिलक एंड इंस्पायर्ड फॉर स्वराज। इट वॉज फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, यानी कि बंगाल का विभाजन हो गया 1905 में। सब लोग बहुत परेशान कि अब क्या किया जाए, हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे होने लगे। और जो लॉर्ड कर्जन चाहते थे वही हुआ कि जो हिंदू मुस्लिम का यूनिटी था उसे तोड़ दिया गया। लेकिन उस वक्त जो हमारे रेडिकल्स के लीडर थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, वो सारे लीडर सामने आए और फिर उन लोगों ने बायकॉट किया ब्रिटिशर्स का। और इसीलिए इसे फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कोई फर्स्ट मूवमेंट था जब इतने मास प्लेस पे और इतने मास लोगों में ये मूवमेंट हुआ था। लोग जो थे वो एजुकेशन, जो ब्रिटिश एजुकेशन को था, उन्हें बॉयकॉट करने लगे, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करने लगे। और बहुत सारी कुछ हुआ उस वक्त, जिसके कारण इसे फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट के नाम से भी जाना गया। नाउ फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो ये हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक है और
मैं जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी हम लोग कुछ फाइव टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि जो हमारा वीडियो है वो शॉर्ट में जाए। तो जो मुस्लिम लीग, तो जो मुस्लिम लीग है वो जो ब्रिटिशर्स थे वो जानते थे कि इंडिया में हम लोग तभी राज कर सकते हैं जब इंडिया के लोग यूनाइट नहीं होंगे, और आज भी हमारा कंट्री डिवाइड एंड रूल, अभी भी हमारी कंट्री में डिवाइड एंड रूल हो रहा है। अगर अगर आप सोचो, अगर पाकिस्तान और इंडिया अगर अभी भी एक पार्ट होते तो ना ही कोई लड़ाई होता, ना ही कुछ होता, और हमारा कंट्री कितना ज्यादा वेल्थी होता आप सोच भी सकते हो। क्योंकि हम लोग 20% प्लस जीडीपी अपना सिर्फ डिफेंस में इन्वेस्ट करते हैं, और कितने सारे लोग अपना जान खो जाते हैं। तो अभी भी हमारे कंट्री और उनके कंट्रीज में भी डिवाइड एंड रूल को ही फॉलो किया जा रहा है, और वो कर कौन रहा है? फ्रांस जैसे कंट्री, जर्मनी जैसे कंट्री, ब्रिटिश जैसे कंट्री अभी भी हमारे पर कर रहे हैं। तो जो ब्रिटिशर्स थे तो उन लोगों ने इनकरेज किया मुस्लिम को कि आप लोग अपना एक अलग लीग बनाए और अपने आप को इंक्लूड करें, ताकि आप अपने जो उनका जो रिलीजन है उसके नाम पर वो एक नया लीग बनाने के लिए उसे इनकरेज किया ब्रिटिशर्स ने। और उसी के कारण 1906 में आगा खान और नवाब सलीमुल्ला जो कि ढाका के थे, उन दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया ढाका में। और ये हमारा मुस्लिम लीग का ही फॉर्मेशन, जिस दिन मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था उसी दिन से हमारा हिंदू और मुस्लिम का जो बॉन्ड था वो हमेशा के लिए टूट गया था। क्योंकि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन का होने का मतलब कि नेशनल कांग्रेस के सामने किसी और बड़े पार्टी का आ जाने का मतलब, यानी कि अब इन दोनों पार्टी में कभी भी सेम सिचुएशन नहीं हो सकता था, और हमेशा अलग ओपिनियन सब होने वाले थे। और जो ब्रिटिशर्स चाहते थे उन्हें वो मिल चुका था, और उनके लिए अब और भी ज्यादा इजी हो गया था रूल करना। तो यही कुछ बात थी। तो हम लोग अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, और अगर अच्छा नहीं लगा तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली मैं अभी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, तो मुझे उतना ज्यादा आइडिया नहीं है टीचिंग का, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने का, ताकि मैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पाऊँ। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास भी अगर कभी कोई टाइम हो तो जो भी आपका इंटरेस्टिंग स्किल है उसे आप इम्प्रूव करें, क्योंकि इस वक्त हमें स्किल को इम्प्रूव करना, स्किल को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।